सलाम वालेकुम, कैसे मेरे दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये बिल्डिंग है, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक का काम कितना फ़र्क होता है। हर बिल्डिंग का अलग अलग सिस्टम होता है। अभी यहाँ पर इस बिल्डिंग की पाइपिंग कुछ अलग है, तो आप लोग खुद देखिए, खुद आप लोगों को समझ में आएगा। यही एक चीज़ का यहाँ पर बहुत बड़ा टेंशन होता है मेरे भाई। हर बिल्डिंग का अलग अलग सिस्टम होता है, एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। और इसकी बाउंड्री का भी सिस्टम अलग है। अब ये देखिए, ये बाउंड्री है। बाउंड्री में देखिए, यहाँ पर कट का निशान लगा हुआ है। ये खांचा देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी लाइट है। देखिए, ये पाइप निकली हुई है, देख रहे हैं ना, और यहाँ पर भी लाइट है। ऐसे ही पूरी देखिए, पूरी लास्ट तक निकली हुई है। और ये दरवाज़ा है, इधर फानूस, एक फानूस इधर आएगा और एक फानूस इधर आएगा। और यहाँ पर देखिए, एसी वाले लगे हुए हैं, एसी वाले का काम चल रहा है। और ये बाउंड्री का देखिए, ये पूरी पाइपिंग हुई है, सेक्शन बोर्ड लगा हुआ है। इसके अंदर से देखिए, बाहर की तरफ ये पाइप इधर भी निकली है, उधर भी निकली है। तो यहाँ पे यही सिस्टम है ना, कि हर चीज़ का, हर बिल्डिंग का अलग अलग सिस्टम होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, पाइपिंग का क्या सिस्टम है, ये देखिए, देख रहे हैं ना। तो मेन चीज़ अगर जो पाइपिंग सही हुई होती है ना, तो फिर वायरिंग करने में मज़ा आती है और काम भी अच्छा होता है। अब यहाँ पर देखिए, लाल वाली पाइप हमारी अक्सर हर बिल्डिंग में देखे होंगे। ये लाल पाइप हमारी डायरेक्टली जंक्शन में जाती है, लेकिन देखिए यहाँ पर पाइप हमारी कट है। अब यहाँ पर हमने जो फ्लेक्सिबल पाइप यूज किया हुआ है, ऐसे ही देखिए इधर भी है, ये देखिए। अब इसकी वजह क्या है ना, यहाँ पे दीवार थी, दीवार कैंसिल कर दिया, लेकिन उसने पाइप ये ड्रॉप नहीं हुई थी, क्योंकि ये पूरी जो ये पटरा लगा हुआ था ना, तो जो कंट्रेक्टर था वो बोल रहा था पटरे में सुराख नहीं करना, वरना ज्यादातर पटरे में ड्रिल मशीन मार के सुराख करके पाइप डायरेक्टली हम डाउन कर देते हैं। अभी देखिए, वायर हमारा पूरा खिंच चुका है, लेकिन अभी इसकी जो है मतलब सेटिंग नहीं की है, सेटिंग बाद में करेंगे, क्योंकि ये मसाला हमने लगाया हुआ है, मसाला हमारा सूख जाएगा, उसके बाद जो है कि होगा। ये सब देखिए, तो यहाँ पर अगर जो पाइपिंग सही होती है ना, तो फिर हर एक काम जो है एक नंबर का होता है। यहाँ पर भी देखिए, ये ऊपर देखिए, ये जो ऊपर हम लोग एक पाइप अक्सर निकालते हैं, ये एक्स्ट्रा देखिए, ये जिप्स के लिए निकालते हैं, पीयूपी, उसके अंदर स्पॉट लाइट आती है, उसके लिए निकालते हैं। ये हमारा एमसीबी बोर्ड है, देख रहे हैं, इसमें भी हमने फ्लेक्सिबल डाला, वरना हर जगह पे हमारी लाल पाइप डायरेक्टली आती है। और ये फ्लोरिंग जाएगा, क्योंकि ये पिलर है, तो हमने काटने के बजाय यहाँ से फ्लोरिंग ले लिया। और ये पूरी लाइट है, यहाँ पर भी लाइट है, वहाँ पर भी लाइट है, और ये सीढ़ी पे भी देखिए, ये जो तीन निशान लाल लाल दिख रहा है ना, ये पूरी लाइट लगेगी। अब कोई कोई लाइट ये इसके अंदर लगाता है, ये दादर में लगाता है, और कोई कोई यहाँ पर लगाता है, कोई कोई ये नीचे की तरफ लगाता है, तो सबका अपना अपना सिस्टम होता है। देखिए, यहाँ पर भी लाइट है, तीन निशान देखिए यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर भी लाइट है, तो यहाँ पर वायर हम यहाँ पर भी निकालेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और ये देखिए, ये देख रहे हैं ऊपर, देखिए पूरी पाइप कटी हुई है, तार वार से हमारा निकला है, उसके बाद अभी हम फ्लेक्सिबल पाइप लगाएंगे, फिर नीचे ड्रॉप करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। हालांकि ये काम सरासर गलत है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बस मजबूरी है, अब करना पड़ गया, अब क्या करें, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर देखिए एसी है, तो एसी के लिए हमने अपना वायर देखिए निकाल दिया हुआ है, न्यूट्रल फेस अर्थिंग। अब वो एसी वाला अपना पाइप यहाँ पर डालेगा, फिर वो वायर वहाँ पर हमारा हो जाएगा। और ये टीवी का पॉइंट है, उसके बाद इस रूम में दिखाते हैं आप लोगों को, इस रूम में भी देखिए, देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमारी सॉकेट है, यहाँ पर भी हमारी सॉकेट है, उधर भी सॉकेट है, उधर भी सॉकेट है, इधर भी सॉकेट है, और इधर भी देखिए पाइपिंग वैसी हुई है। हर जगह पाइपिंग का अपना अलग अलग सिस्टम होता है। उसके बाद ये जो विंडो है, विंडो से ये बाहर की तरफ ये देखिए वायर निकलवाया है, देख रहे हैं ना, इधर वो लाइट लगाएगा, ये नीचे से लेके ऊपर तक पूरा जो है ऐसे लाइट लगेगी हर कॉर्नर पे बाहर की तरफ। और भी आप लोगों को दिखाते हैं, ये फ्लेक्सिबल पाइप जो हम यूज कर रहे हैं, ये अबू तैयार है, अबू तैयार काफी यानी अच्छा और मजबूत माना गया है। और यहाँ पर भी देखिए, हमारा वो एक भाई उधर निकाल रहा है पाइप, देख भाई गिरना नहीं रहे, ये देखिए वहां से पाइप हमारा जो है कटिंग करके निकाला, ये देखिए बाहर की तरफ, ये देख रहे हैं ना, ये बाहर की तरफ लाइट हमारी आएगी, इधर कॉर्नर पे भी लाइट आएगी, उधर कॉर्नर पे भी लाइट आएगी, तो ये बाहर से जब ये लाइट जलेगी तो फिर डिकोर बनेगा। और ऊपर की तरफ भी देखिए हमारा वायर निकला हुआ है। और ये तो एसी वालों का हुआ है। और ये हमारा बंधु भाई, बंधु क्या हाल चाल है? ये बांग्लादेश से, बांग्लादेश में किधर से भाई? नवाखली का। नवाखली, कितने साल हो गए सऊदी में?
महीने का। कितना साल हुआ आए सऊदी में? 5 साल। 5 साल हो गया इस भाई को सऊदी में, बचपन में आ गया था। अभी कितना उम्र है? कितना उम्र है? 26 साल इसका उम्र है, यानी 20 या 21 साल की उम्र में ये सऊदी अरब आ गया था। और ये सब पूरा देखिए वायर हमारा यूज हो रहा है, और इधर भी देखिए सॉकेट है। ये हर कॉर्नर पे हम सॉकेट देते हैं, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें उधर टेबल लैंप लगाते हैं कॉर्नर पे, इसके लिए हम हर कॉर्नर पे देते हैं। और यहाँ पर टीवी पॉइंट देखिए यहाँ पर है, किसी किसी जगह पे टीवी पॉइंट ऊपर होता है यानी 130 सेंटी पे, और कहीं कहीं पे देखिए नीचे होता है, यहाँ पर नीचे की तरफ है। तो हर बिल्डिंग में जहां पर भी जाएंगे ना, हर बिल्डिंग का कुछ ना कुछ अलग सिस्टम जो है निजाम होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टीवी देखिए नीचे है, देखिए वायर हमने डाल दिया है, इधर भी कॉर्नर पे सॉकेट है, उधर भी कॉर्नर पे सॉकेट है, ऐसे ही उधर भी कॉर्नर पे सॉकेट है, इधर भी। और देखिए इधर एसी है, तो हमने 6 मिली का वायर वहाँ पर डाल दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए हमने मसाला लगा दिया है फ्लेक्सिबल पाइप डाल करके, देख रहे हैं। अब ये पाइप पूरा हमारा जो है, ये वायर हमारा पूरा डाउन करना बाकी है, इसके अंदर सेटिंग करना, ये मसाला सूख जाएगा तो बाद में हम सेटिंग करेंगे, पहले जो जिधर भी हमारा काम बचा उचा है वो सब पूरा कंप्लीट कर लें। और यहाँ पर देखिए ये मसाला एसी वालों ने बनाया हुआ है, और इसी में से हम भी यूज़ कर रहे हैं। और देखिए एक एसी का पाइप इधर है, हमने देखिए फ्लेक्सिबल पाइप डाला हुआ, अभी वायर इधर डालेंगे। बाकी देखिए हमारा पूरा इंजेक्शन बोर्ड के यहाँ देख रहे पूरा बिखरा हुआ है, हंजूर जिसे बोलते हैं, हंजूर भी बोलते हैं, जरजूर भी बोलते हैं, रियाज दम्माम सिटी में जरजूर बोलते हैं, हर सिटी का थोड़ा थोड़ा सा जो है कि अलग अलग सिस्टम है, लैंग्वेज चेंज है। ये वायर हमने डाल दिया हुआ है, अभी पूरा ये सेटिंग करना बाकी है। इधर बाथरूम का भी ये देखिए। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों यहाँ पर काम होता है, आप जितनी भी बिल्डिंग पे जाएंगे ना, जरूरी नहीं है कि आपको हर बिल्डिंग पे एक ही तरीके का सिस्टम मिले, यहाँ पे हर बिल्डिंग का अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग निज़ाम होता है। सऊदी अलग अलग तरीके से काम करवाते हैं, कोई कोई सऊदी नॉर्मली काम कराता है, कोई सऊदी लाइटिंग इतना लगवा देता है कि पाइपिंग करते करते हालत ख़राब हो जाती है। और ये चीज़ अगर जब पाइपिंग के टाइम पे बता देना सऊदी लोग कि मुझे यहाँ लाइट चाहिए, यहाँ पे लाइट चाहिए, या वो डायग्राम दे दें या कैटलॉग दे दें, तो फिर हमें वायरिंग करने में काफ़ी आसानी होती है और पाइपिंग करने में भी काफ़ी आसानी होती है। फिर हमारी ये जो तोड़ फोड़ कटाई ये सब होती है ना, तो ये हमारी बच जाती है। तो बहरहाल कुछ ये थी वीडियो, तो आप लोगों को शायद कुछ जानकारी मिली होगी कि यहाँ पर कैसे कैसे काम होता है, हर बिल्डिंग का सिस्टम अलग होता है। तो चलिए बहरहाल अल्लाह हाफिज़ किसी